हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता मेलवान स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेफ डिपॉजिट ऑफ आर्टिकल्स एंड लोकर के बारे में। हम देखेंगे सेफ स्टडी में और लोकर में डिफरेंस। सेफ स्टडी है जो इसका मेंशन कहाँ पे है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लोकर है जो इसका मेंशन है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। फर्स्ट पढ़ेंगे हम रिलेशनशिप। रिलेशनशिप सेफ स्टडी में बैंक और कस्टमर की क्या रिलेशनशिप होती है। बैंक होता है बेली और कस्टमर होता है बेलर। मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में बताया भी था कि जब हम अपना सामान किसी को देते हैं तो उसको एक ट्रस्ट पे देते हैं, एक विश्वास पे देते हैं, एज ए फ्रेंड। हम उसको फ्रेंड मानते हैं, हमारा तभी उस पर विश्वास होता है। तो हम फ्रेंड को कह देते हैं कि बेली, तो मेरा बिल्ली आ रहा है। इसलिए बैंक के पास अपना सामान रखा तो बैंक हो गया बिल्ली और कस्टमर हो गया बेलर। सेफ स्टडी में बैंक होगा बिल्ली और कस्टमर होगा बेलर। लोकर में होगा कस्टमर लेजर बैंक होगा लेजर और कस्टमर होगा लेजी। नेक्स्ट हमारा नॉमिनेशन। सेफ स्टडी में नॉमिनेशन हो सकता है और लोकर में भी नॉमिनेशन कर सकते हैं हम। सेफ स्टडी में क्या होता है, ओनली वन नॉमिनी एक्सेप्ट इन केस ऑफ जॉइंटली ऑपरेटेड अकाउंट वेयर नो नॉमिनेशन इज अलाउड। सेफ स्टडी अगर इंडिविजुअल अकाउंट है, एक पर्सन के नाम ही है, तो उसमें हम नॉमिनी बना सकते हैं, सिर्फ एक नॉमिनी। अगर जॉइंट ऑपरेटेड अकाउंट है तो उसमें हम नॉमिनी नहीं बना सकते। ये है सेफ स्टडी के केस में। नेक्स्ट हमारा लोकर के केस में। लोकर में क्या है, ओनली वन नॉमिनी एक्सेप्ट इन केस जॉइंटली ऑपरेटेड लोकर अकाउंट बट नॉट मोर देन टू। अगर सिंगल अकाउंट है तो उसमें सिर्फ एक नॉमिनी बना सकते हैं हम। अगर जॉइंटली ऑपरेटेड अकाउंट है उसमें एक से ज़्यादा है दो, बस दो से ज़्यादा नहीं बना सकते। नेक्स्ट हमारा ड्यूटी ऑफ बैंक। बैंक की ड्यूटी क्या होती है, सेफ कस्टडी के बारे में। द बैंक इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्रॉपर एंड एक्स्ट्रा केयर रिगार्डिंग सेफ्टी ऑफ द आर्टिकल्स। बैंक से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक्स्ट्रा केयर रखे, प्रॉपर ध्यान रखे उनके सामान का जो कि सेफ कस्टडी में रखा हुआ है। लोकर में क्या है, टू इंश्योर लोकर प्रॉपरली लॉक्ड आफ्टर ऑपरेशन ऑफ द लोकर। बैंक को ध्यान रखना है कि कस्टमर ने लोकर में ऑपरेशन के बाद लोकर को अच्छे से लॉक कर दिया है। नेक्स्ट हमारा डिलीवरी ऑफ आर्टिकल्स। इसमें क्या है, सेफ कस्टडी में डिलीवरी ऑफ द गुड्स ऑन सेंडर ऑफ सेफ कस्टडी रिसीट। कस्टमर से सेफ कस्टडी रिसीट ली जाएगी और उसको गुड्स की डिलीवरी कर दी जाएगी। किसमें, सेफ कस्टडी में। नेक्स्ट हमारा लोकर में। लोकर में क्या होता है, द कस्टमर ऑपरेट द लोकर एट इट्स डिस्क्रेशन। इसमें क्या है, कस्टमर अपने समझ से, अपने विवेक से लोकर को ऑपरेट करता है, चाहे तो वो जब तक चाहे उसको यूज कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट डेथ। डेथ होने पर क्या होता है, सेफ स्टडी में क्या होता है, जब डिपॉजिटर की डेथ हो जाती है तो ओनली प्रोबेट ऑफ द विल और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। इसमें क्या होता है, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर और विल, ये दोनों इन दोनों की ज़रूरत है गुड्स की डिलीवरी के लिए। सक्सेशन सर्टिफिकेट जरूर नहीं है, वो वैलिड नहीं है सक्सेशन सर्टिफिकेट। इधर लोकर में भी सेम है, जब डिपॉजिटर की डेथ हो जाए, ऑपरेटर की डेथ हो जाए, तो क्या होता है, इसमें भी सक्सेशन सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। इसके लिए क्या चाहिए आपको, विल और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट हमारा लीजिंग। सेफ स्टडी में क्या होता है, यहाँ पे उसका सामान, कस्टमर का सामान बैंक में रखा जाता है सेफ स्टडी में। उसको अलग से कोई कुछ लीज पे नहीं दिया जाता उसको, वो बैंक के केयर में रहता है, ठीक है। लोकर में क्या होता है, ए स्मॉल लोकर इन द लोकर कैबिनेट इज लीज्ड आउट। उसमें क्या होता है, कस्टमर को लोकर कैबिनेट में से एक स्मॉल लोकर कस्टमर को दे दिया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे नॉमिनेशन के बारे में कि डिपॉजिट अकाउंट, सेफ स्टडी आर्टिकल्स और लोकर, इनमें से कहाँ पे नॉमिनेशन होता है, कहाँ पे नहीं होता है। फर्स्ट पॉइंट हमारा इंडिविजुअल कैपेसिटी अकाउंट। जब अकाउंट एक इंडिविजुअल का हो तो क्या होता है, क्या इसमें नॉमिनेशन कर सकता है, यस इसमें नॉमिनेशन होता है। आल्सो इन सोल प्रोप्राइटर टाइप्स अकाउंट, और सोल प्रोप्राइटर टाइप्स अकाउंट में भी नॉमिनेशन कर सकते हैं। सोल प्रोप्राइटर मतलब एक व्यक्ति का अधिकार किसी अकाउंट पर। नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट, जॉइंट अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल।
जब इंडिविजुअल का जॉइंट अकाउंट होता है तो क्या उसमें नॉमिनेशन कर सकते हैं? यस, इसमें भी नॉमिनेशन अवेलेबल है। अगर आइदर सर्वाइवर में है तब भी दोनों के साइन होंगे, और अगर फॉर्मर सर्वाइवर है तब भी दोनों के साइन होंगे, या फिर जॉइंटली ऑपरेटेड है तब भी दोनों के साइन होंगे नॉमिनेशन करते हुए, नॉमिनेशन करना है या कैंसिल करना है। नेक्स्ट है हमारा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। जो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होते हैं क्या उनमें नॉमिनेशन होता है? नो, सॉरी, उनमें नॉमिनेशन हो सकता है लेकिन ये नॉमिनी नहीं बन सकते। कौन? फर्म, क्लब, कंपनी, ट्रस्ट कैन नॉट बी नॉमिनी। फर्म, क्लब, कंपनी, ट्रस्ट ये नॉमिनी नहीं बन सकते। नेक्स्ट है हमारा माइनर एज नॉमिनी। क्या माइनर नॉमिनी बन सकता है? माइनर अपने आप नॉमिनी नहीं बन सकता, लेकिन क्या होता है माइनर के बिहाफ से माइनर को नॉमिनी बनाया भी जा सकता है और माइनर के अकाउंट में नॉमिनी भी बना जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट ऑफ माइनर। जब माइनर का सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट होता है क्या उसमें नॉमिनेशन होता है? नहीं, क्योंकि सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट्स इसका मतलब है कि माइनर्स अपने अकाउंट में ऑपरेशन खुद कर रहे हैं, उसका कोई गार्डियन नहीं है उस अकाउंट में। तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट में बताया कि माइनर अपने आप खुद नॉमिनी न तो बन सकता और न बना सकता, ठीक है। तो सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट है तो सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट में नॉमिनेशन नहीं हो सकता। ये सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट है जो माइनर कितने साल का खोला जा सकता है? जब माइनर की एज 10 ईयर कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सेफ कस्टडी। क्या सेफ कस्टडी में नॉमिनेशन होता है? वेयर आर्टिकल्स आर हेल्ड इन सिंगल नेम। अगर सिंगल नेम से अकाउंट है तो क्या होता है वहाँ पर नॉमिनेशन हो सकता है, और जॉइंट अकाउंट के लिए नॉमिनेशन नहीं होता। सेफ डिपॉजिट लॉकर। लॉकर में क्या होता है? यहाँ पर जॉइंटली ऑपरेटेड अकाउंट में एक से ज़्यादा नॉमिनी हो सकते हैं, लेकिन दो से ज़्यादा नहीं, सिर्फ दो तक हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नॉमिनी इज एन एजेंट। नॉमिनी क्या होता है? एक एजेंट की तरह काम करता है। देखिए कैसे, मान लो किसी कस्टमर ने डिपॉजिट ने अपने अकाउंट में किसी को भी नॉमिनी बना दिया अपनी फैमिली मेम्बर के अलावा, उसका फ्रेंड हुआ, जो भी हुआ, तो उसकी डेथ के बाद वो पैसा उसके नॉमिनी को मिलेगा जो कि उसका फ्रेंड है। लेकिन बाद में अगर उसके फैमिली मेम्बर जो उसके लीगल हेयर हैं वो कोर्ट में केस कर दें कि ये पैसा तो हमारा था, तो वो पैसा किसको? उसको ही मिलेगा, उसके लीगल हेयर्स को। नॉमिनी तो एक एजेंट की तरह काम कर रहा है, उसकी डेथ के बाद उस पैसे को उस अकाउंट से निकलवाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्रीमैच्योर पेमेंट। डिसीज्ड के अकाउंट से नॉमिनी के द्वारा प्रीमैच्योर पेमेंट की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लोन। क्या डिसीज्ड के अकाउंट से नॉमिनी को लोन मिल सकता है? नहीं, डिसीज्ड के अकाउंट से नॉमिनी को लोन नहीं मिल सकता, लेकिन वो क्या कर सकता है? प्रीमैच्योर पेमेंट ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लीगल हेयर्स। अगर डिपॉजिटर के अकाउंट में कोई नॉमिनी नहीं है और उसकी डेथ हो जाती है तो क्या उसका जो डिपॉजिट है वो किसको मिलता है? लीगल हेयर्स को। इसके लिए क्या चाहिए? सक्सेशन सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोबेट, ये सब उसको चाहिए अकाउंट से पैसा निकलवाने के लिए। किसको? लीगल हेयर्स को। अगर अकाउंट में नॉमिनी है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये, नॉमिनी को पेमेंट कब मना कर सकते हैं? अगर अकाउंट में नॉमिनी है और नॉमिनी को हम पेमेंट तब मना कर सकते हैं जब कोर्ट से ऑर्डर हो, जब कोर्ट प्रोहिबिटरी स्टे इंजंक्शन ऑर्डर इश्यू कर सकता है। फ्रेंड्स, अब हम बढ़ेंगे ऑपरेशन इन जॉइंट अकाउंट। जॉइंट अकाउंट में ऑपरेशन कैसे होता है? आइदर ऑफ सर्वाइवर, फॉर्मर ऑफ सर्वाइवर, जॉइंट अकाउंट, ये थ्री टाइप के जॉइंट अकाउंट होते हैं हमारे पास। आइदर ऑफ सर्वाइवर में से, इसका मतलब है दोनों में से कोई भी, फॉर्मर सर्वाइवर में से, फॉर्मर और सर्वाइवर का अर्थ मतलब है F4 फॉर्मर, जब तक फॉर्मर जिंदा है वो ऑपरेट करेगा और उसकी डेथ के बाद सर्वाइवर। जॉइंट अकाउंट में जॉइंट अकाउंट दो का हो या दो से ज़्यादा का हो, उन सभी को जॉइंटली अकाउंट ऑपरेट करना पड़ेगा। फर्स्ट हम पढ़ेंगे ओपन अकाउंट। आइदर ऑफ सर्वाइवर में अकाउंट ओपन करने के लिए क्या करना होता है? दोनों के साइन होंगे, फॉर्मर और सर्वाइवर में भी दोनों के साइन होंगे, और जॉइंट अकाउंट में भी जितने भी लोगों का अकाउंट है, एक का, दो का, तीन का, सभी के साइन होंगे। नेक्स्ट हमारा स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक। अगर पेमेंट, चेक की पेमेंट स्टॉप करनी है तो क्या होगा? आइदर ऑफ सर्वाइवर में कोई भी एक पर्सन
पेमेंट चेक की पेमेंट स्टॉप कर सकता है। फॉर्मर और सर्वाइवर में फॉर्मर चेक की पेमेंट स्टॉप करेगा और जॉइंट अकाउंट में कोई भी एक पर्सन चेक की पेमेंट स्टॉप कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्लोजिंग ऑफ अकाउंट। अकाउंट को क्लोज कैसे करते हैं? आइदर और सर्वाइवर में क्या होता है, दोनों के साइन होंगे। फॉर्मर और सर्वाइवर में ओनली फॉर्मर के साइन से ही अकाउंट क्लोज हो जाएगा, और जॉइंट अकाउंट में सभी आल जितने भी लोगों का अकाउंट है सभी को साइन करने होंगे। नेक्स्ट हमारा नॉमिनेशन। नॉमिनेशन बनाना है या फिर कैंसिल करना है, इन दोनों में ही क्या होगा, देखिए आइदर सर्वाइवर में क्या है, दोनों के ही साइन होंगे। फॉर्मर और सर्वाइवर में भी नॉमिनेशन बनाने के में दोनों के ही साइन होंगे, और जॉइंट अकाउंट में भी सभी के साइन होंगे। नेक्स्ट हमारा अटैचमेंट ऑर्डर। अटैचमेंट ऑर्डर किस किस पर कहाँ कहाँ पे लगेगा? आइदर और सर्वाइवर में दोनों इक्वली लाइएबल होंगे। अगर अटैचमेंट ऑर्डर आ जाए दोनों के नाम, तो आइदर और सर्वाइवर में दोनों को इक्वली लाइएबल समझा जाएगा, और फॉर्मर सर्वाइवर में भी दोनों को इक्वली लाइएबल समझा जाएगा, और जॉइंट अकाउंट में भी सभी को लाइएबल समझा जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस, इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लें। थैंक यू।